You said you will sleep peacefully, but anyone that but that they should remember that you will come in their dreams, and that they will not sleep peacefully. And मैं तो ये लेटर लेकर इंशाल्लाह सुकून की नींद सोऊंगा लेकिन याद रखिए कि आपके ख्वाबों में भी आऊंगा और आपको सुकून की नींद भी नहीं आएगी। जामिया मस्जिद गौसिया ली ब्रिज रोड की इंतजामिया आवाम को ही नहीं खाली बेवकूफ़ बनाती रही मेरे मामले में, इन्होंने पुलिस को भी जो है वो पूरा मुकम्मल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और जो मुहावरे होते हैं हमारे मशहूर मारूफ जो हम बोलते हैं कि जैसे ये आपके मुंह पर जी तमाचा है और आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी, तो किस तरह से इन्होंने जो है ना वो पुलिस को भी जो है वो मुहावरे जो हैं वो ट्विस्ट करके और थ्रेट की सूरत में पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी इनको जो है वो बुरी तरह नाकामी हुई। तो इंशाल्लाह मैं इनको जिस तरह सबूतों के साथ बेनकाब कर रहा हूँ करता रहूँगा। और आपको भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे बारे में जितने भी इन्होंने झूठ बोले हैं जो मैंने आपके सामने प्रूव किए हैं, और इनको चाहिए कि अब ये जिस तरह से जो मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं ये सबूत के तौर पर पेश करें। जैसा कि इन्होंने आपके सामने वो जो दो बंदों ने बयान दिए थे, हाजी लियाकत साहब और जमूर खान साहब ने, और एक इनका अपना एम्प्लॉय था हाजी नज़ीर साहब, उनके आपको पता है कि इन्होंने किस तरह ये पेश किए थे। ये एक तरफ कहते हैं इनके झूठ देखें, एक तरफ कहते हैं जी कि हम मीडिया पर आकर जवाब नहीं देते। जहाँ पर इनका बस चलता था इन्होंने मुकम्मल मीडिया पर आके जवाब दिए। तो ये मैं इनको चैलेंज भी करता हूँ, दावत फ़िक्र भी देता हूँ, और उन लोगों को भी कहता हूँ कि इनको कहिए कि जिस तरह बाकी लोगों के आपने वो बयानात शेयर किए थे ना, इसी तरह ये जो आपने झूठ हैं जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं वो जो हैं वो सबूत के साथ पेश करें।